मेरा घर नेपाल है भैया। भाई यूट्यूबर है? हाँ भैया। और यूट्यूबर क्या है? जीपी नेपाल। जीपी नेपाल ठीक है भैया, चलते हैं। बाय बाय भैया। तो सो है गाइस, मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो अभी हम जाने वाले हैं नेपाल अपने घर। तो चलते हैं, आप देखते हैं आज का माहौल और आज की सफर कैसा होता है। तो चलते हैं, आज की सफर देखते हैं कैसा होता है। भाई मेरा तो इंडिया का राइड पूरा हो चुका है और दर्शन भी हम कर चुके हैं। तो अब चलते हैं आप सीधे नेपाल और मिलते हैं सीधे आपको। चलते हैं, तो पहले इधर से सब लोग को अलविदा बोलकर अपने यहाँ पर मौसी। तो अभी मैं भाई मौसी घर पर, ये मेरा मौसी घर अभी बन रहा है। तो अभी हम चलते हैं, तो अपने करते हैं नेपाल, देखते हैं नेपाल का आज की सफर कैसा होता है। तो चलते हैं भाई। मैं जा रहा था तो मेरी मौसी बोली भी खाना खा ले, तो मैं अभी और मेरा मौसी का लड़का इधर चावल और अंडे और सब्जी खा रहे हैं। तो खाकर जल्द हम लोग निकलने वाले हैं, तो खाकर चलते हैं। फाइनली हम लोग खाया वाना खाकर और रेडी भी हो चुके हैं, और मेरा दोनों उधर खड़ा हुआ है मेरा साइकिल। तो अब चलते हैं साइकिल से सीधे नेपाल जाएंगे सफ़र करते करते। अब देखते हैं आज के सफ़र कैसा होता है। भाई मेरा सफ़र तो बहुत मज़ेदार हुआ है, और आज के सफ़र देखते हैं कैसा होता है। आज के सफ़र मुझे भी लग रहा है मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि भाई आज भी थोड़ी मुड़ी मैं घरी हुई है, और भाई देख सकते हैं तो अभी भाई घाम तो नहीं हुई अभी, क्योंकि भाई बारिश होने वाली है। तो देखते हैं, तो भाई मैं जा रहा हूँ ठीक है, और तो चलते हैं। तो भाई हम घर से तो निकल चुके हैं, और आज के देखते हैं कैसा ट्रैवल होता है। और आज की वीडियो में प्लीज़ सपोर्ट कर देना प्लीज़ भाई, जैसे इस पहले वाला वीडियो में सपोर्ट कर दिया, तो ये भी वीडियो में सपोर्ट कर देना। इंडिया टू नेपाल जा रहे हैं, और वो भी साइकिल से, और किसी रास्ते से आए तो उसी रास्ते से जाने वाले हैं। और देखते हैं आज का मगर ट्रैवल कैसा होता है, और देखते हैं प्लीज़ अपने छोटे भाई को प्लीज़ सपोर्ट करना भाई। अभी तो भाई कितना मस्त हवा बह रही है, और कितना मस्त अभी भाई का नज़ारा आप भी देख रहे हैं, और हम भी इस तरह का माहौल पूरा नज़ारा उठा रहे हैं, और भाई इधर बहुत मज़े आ रही है। तो भाई ये वीडियो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर देना, बहुत मज़े आ रही है। ब्रुं, 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 ब्रुं। भैया मैं देख सकते हैं इधर जंगल जैसा ही है पूरा, इधर का रोड दिख रहा है, देख सकते हैं पूरा जंगल के जैसा दिख रहा है भाई। लग रहा है इधर एक भी इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ गाड़ी से इंसान ही दिख रहा है। पैदल एक भी इंसान नहीं दिख रहा, जंगल के जैसा देख सकते हैं ये पूरा। लग रहा है भाई मैं जंगल में आ गया हूँ भाई, देख सकते हैं इधर पूरे जंगल के जैसा ही दिख रहा है भाई। बहुत मेरा पानी भी खत्म हो चुका है, चलते हैं कहीं से कॉल वगैरह देखते हैं।
चलते हैं ऐसा चुका हूँ, अपना गाड़ी को रेस करते हैं। जंगल में आ गया यार, देखो भाई फिर से मैं जंगल के बाहर आ गया। लेकिन भाई ये जंगल नहीं है, सिर्फ पेड़ है, ये सब रोड के इधर साइड और इधर साइड पेड़ लगाया गया है, वैसे ही जंगल के जैसा दिख रहा है। तो भाई इधर पूरा मेरा बुरा हाल हो गया है, साइकिल चला चलाते अभी भाई यहाँ से 30 किलोमीटर है भाई, मेरा तो पूरा भाई हार चुका हूँ और क्या बोलूँ आपसे। तो भाई देख सकते हैं पूरा जंगल का जैसा इधर का रोड देख रहा है, और अभी इंडिया के इधर का हाईवे हो गया है और बहुत मज़े भी आ रही है साइकिल चलाने में भी पूरे मेरी। तो भाई भाई और क्या करूँ भाई, प्लीज़ जितना मेहनत कर रहा हूँ भाई प्लीज़ सपोर्ट करना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, तारीफ करते समय शेयर भी करो भाई, भाई कहीं जो कॉल नहीं दिख रहा है। मेरा घर नेपाल है भैया। भाई यूट्यूबर है? हाँ भैया यूट्यूबर क्या है? जीपी नेपाल। कभी नेपाल से हम कर रहे हैं और राज अभी ना होते हैं यूट्यूब बनाता रहा। हाँ वीडियो सब कमाल लोग हैं ना भैया। अभी भैया अभी हमें क्या अभी थोड़े छोटा क्रिएटर बन सकते हैं। ठीक है भैया चलते हैं, बाय बाय भैया। हमारा दो तीन भाई उधर आया था और बोल रहा था भाई आप यूट्यूबर है हैं और छोटा क्रिएटर भी हैं, और भाई मैं बोल रहा मुझे सपोर्ट नहीं करना भाइया, तो बोले ठीक है मैं सपोर्ट करूँगा और पूछे कि कहाँ से हो, तो उसको भाई डर लग रखा है, हमको भी लग रखा है, हमको बोलेंगे अगर आप कुछ करेंगे तो मैं पूछने बोले और हमारा नाम पूछे और मेरा चैनल का नाम भी पूछे और पूछे कि भाई तुम कहाँ से हो। मैंने भाई बोल दिया मैं नेपाल से हूँ, अभी नेपाल से इंडिया जाकर अभी नेपाल आ रहा हूँ। भैया बोले कि आपका महादेव जी का, महादेव जी का भाई पूरा फेंक चुका हूँ, महादेव जी का दर्शन करने के लिए भाई भी चलना पड़ेगा। तो भैया बोले ठीक है भाई, तो मैंने बोल दिया भाई और चाहिए फिर से मैं अगले भाई यहाँ से आई भाई यहाँ से 10 किलोमीटर है स्कॉल, तो यहीं पे मेरा हाथ अभी बहुत गंभीर हो गया है, बहुत थक चुका हूँ। लेकिन भाई अभी तो बता दे आपको कितना बज रहा है, यहाँ पे आपको 3 बज चुका है, आप देखते हैं कितना बजे रिस्कॉल फूकते हैं। और तो भाई ऐसे रुक कर थोड़ी पानी पी लिया, पानी पी लेते हैं तो मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस वैसे मैं मुँह हाथ धोकर और पानी उनी पी लिया और थोड़ी ठंडी चीज हो रही है भाई, अभी इधर धूप भी उगी हुई है, पूरा हालत मेरा ख़राब हो गया था। तो आप देखते हैं कब तक उठते हैं रेस्कॉल, तो चलते हैं ठीक है। देखिए इधर आप देख सकते हैं पूरा दिन
पूरा इधर पुल बन रही है अभी भाई, देखो पूरा जोरों है, पूरा खत्म हो चुका है भाई। देखो पूरा इनका पूरा दर्शन है और भाई बन रहा है सब, और इधर एक बोर्ड दिखा वीरगंज नेपाल लिखा है, उधर थोड़ा ही दूर है 7 किलोमीटर, देख सकते हैं उधर लिखा हुआ है वीरगंज नेपाल, मात्र 7 किलोमीटर है। और भाई अब घूमने वाले हैं अपने देश और अपने घर, तो चलते हैं चलो चाहे। और भाई और मिला हो गई है, इस वीडियो में सपोर्ट कर देना। भाई इधर भी लिखा हुआ है बोर्ड में, भाई बहुत खतरा हो चुकी है और क्या बोले पूरा फुल पार में उधर खेल रास्ते में भाई सपोर्ट तो मिल ही रहा है। और जो हमारा ये वीडियो अभी देख रहा है वो प्लीज़ सपोर्ट भी कर देना मुझे प्लीज। गाइस हम लोग रिस्कॉल आ चुके हैं और चलते हैं अब, बॉर्डर पे नहीं आए हुए हैं, बॉर्डर अभी यहाँ से 1 किलोमीटर है। रिस्कॉल बाजार में प्रवेश कर चुके हैं देख सकते हैं आप, अभी रिस्कॉल बाजार में हम अभी ही ये रॉस पार्क से अभी फुल टम्पर आ चुके हैं पूरा बाजार में। तो चलते हैं भाई, अब तो अपना देश आएगा और अपना ही रहेगा, तो चलते हैं। नेपाल और इंडिया का पुल पे हूँ, इसका आपको बताइए इसका पुल का नाम क्या, ये जाना जाता है ये पुल के नाम से मिटेरी पुल, तो मिटेरी पुल पे है अभी और हमारा उधर नेपाल। नेपाल में प्रवेश करने वाला हूँ, देख सकते हैं यही हमारा बहुत सार और मेरा जितना उधर लहरा आती हूँ और सीधे अपने अब नेपाल में पहुँचने वाले हैं और नेपाल में पहुँची हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा इंडिया और नेपाल का गेट है, तो मैं प्रवेश कर दिया इधर नेपाल में, तो अब चलते हैं देखते हैं। यही हमारा नेपाल का कस्टम है, तो अभी कस्टम होकर चलते हैं सीधे आपकी सीधे कस्टम होकर।
दोस्त में हमारा जवान लोग लोग किए थे इधर चेकिंग हो रहा है और बोले थे कि देखने क्या चीज़ है, तो मैंने शौक से दिखा दिया कि सर देख लीजिए क्या क्या है क्या नहीं, और दिखा कर दिखा चुका हूँ। और सर बहुत कुछ खाने वाला है वो भी 117 पोस्ट था अभी इधर पे नेपाल नेपाल प्रहरी का पोस्ट आने वाली है। नेपाल प्रहरी देखते हैं क्या बोलते हैं, वो चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं देखते हैं। गाइस मैं अभी घंटाघर के पास ही हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे पास ही घंटाघर है। तो अब घंटाघर नहीं रुकेंगे भाई, क्योंकि भाई पैर में दर्द भी आ रहा है थोड़ी मोड़ी, और सीधे चलते हैं घर पे और मिलते सीधे घर पे। भाई भाई बहुत थकान हो चुकी है और पैर में भी दर्द आ रही है, तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं और काफ़ी देर से थकान भी हो चुकी है भाई। और भाई गर्मी क्या आप देख सकते हैं भाई, कितना धूप उगा हुआ है अभी अभी भाई, कितना धूप उगा हुआ है भाई। तो अब गर्मी के मारे पूरा बुरा हाल तो हो ही गया भाई, इतना 80 किलोमीटर चला के आए तो गर्मी से तो पूरा बुरा हालत हो ही गया है। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था, मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मज़ार वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपना छोटा भाई को प्लीज़ इतना मेहनत करा प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो। ओके बाय बाय।